वेलकम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह नए मेहमान। आज का शो भी बहुत अच्छा है, सुबह बहुत प्यारी है, मेहमान जब खास आते हैं तो शो अच्छा हो ही जाता है। और आज भी गलती से हमारा, वैसे तो रोजाना मेहमान बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, कोई ना कोई किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। आज के जो मेहमान है वो भी बहुत चीज़ों से बिलोंग करते हैं, यंगस्टर हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि नौजवान हैं और वो क्या करते हैं, ताल्लुक कहाँ से है। टिकटॉक पर भी काफ़ी बीच में अभी छाए हुए हैं और टिकटॉक ऐप पे जहाँ तक मुझे पता है तो इन्होंने बस हंसी मजाक में बनाई थी, ये नहीं सोचा था कि वीडियोस वायरल जाएंगी। तो भाई तारुफ करवाते हैं, सबसे पहले वेलकम करते हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा के शो पर अवेस खान महर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवेस कितना चिल बैठा है, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो, कैसे अवेस? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ। और अवेस क्या चल रहा है लाइफ? आजकल तो बस ये इलेक्शन चल रही है, उधर ही बिजी है। इलेक्शन में बिजी है तो कह सकते हैं कि सियासत से भी काफी वास्ता है आपका। अभी शुरू किया है, अभी तो स्टार्टिंग है। शुरू हुई है। तो क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है जिंदगी में, शुरुआत जिंदगी के बारे में थोड़ा बताओ, स्टडी के बारे में बताओ। स्टडी तो चल रही है, लॉ कर रहे हैं। लॉ कर रहे हैं। एक ही बात है, लॉयर बनना है या लायर बनना है? लॉयर बनना है। पक्की बात है? नहीं, तो कोई कोई होते हैं ना जो लॉ कर रहे होते कहते हैं हमें लॉयर बनना है। नहीं, हमें लॉयर बनना है। नहीं, वैसे लॉयर लायर बन जाते हैं। सेम बात है। अच्छा अवेस, मुझे ये बताओ, लाइफ में लॉ के अलावा, इलेक्शन के अलावा टिकटॉक ऐप पर कैसे आना हुआ, किसको देख कर आए? टिकटॉक बस ऐसे हम सरदार मोहन खान के पास जाते थे, उसके बनाते थे, उसके लाइक फॉलोअर बहुत हैं, तो उनकी वीडियो अपलोड करते थे तो लाइक फॉलोअर आ गए उसकी। हाँ, उसकी वीडियोस पे हम भी चल पड़े, अब हमारी वीडियो भी चल रही है फॉर यू पे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि सरदार खान की जब वीडियोस अपलोड की तो खान को पता चला कि अवेस ने तो अकाउंट बनाया है, उस पे मेरी वीडियोस वायरल हो गई? हाँ, वो देखते हैं टिकटॉक, वो बोलते रहते हैं कि आप मेरी टिकटॉक छाई पड़ी आपकी आईडी पे। हाँ, तो खान कह सकते हैं कि खान का भी फेस जब सामने आता है तो लाइक क्यों नहीं आएंगे, व्यूज क्यों नहीं आएंगे? उसकी पर्सनैलिटी है खान की भाई। अवेस, आप भी टिकटॉक ऐप पर, ऐसा नहीं कि खान की वीडियोस रखते हैं, अवेस की भी मिलेंगी आपको बहुत सारी, एक खान की होगी तो एक अवेस की होगी। हमारे भी है। तो खुद टिकटॉक ऐप पर आने का शौक, एक इंसान बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता है, सियासत में भी है, लॉ भी कर रहे हैं, तो बीच में ये टिकटॉक का समझ नहीं आया? बस टिकटॉक ही आजकल चल रहा है दुनिया में, चल रही है सब दुनिया में। हाँ, आपने सोचा मुझे भी बीमार, हम भी चला के फिर सीख गए। अच्छा, फेवरेट टिकटॉकर कौन है अभी? फेवरेट टिकटॉकर हमारा कोई नहीं है। गर्ल्स में? कोई नहीं। गर्ल्स में? कोई नहीं। बॉयज में? कोई नहीं। यार ऐसे नहीं बोलो, सच बता दो। ऐसा अभी कैमरे के सामने अवेस बैठा है ना तो थोड़ा एटीट्यूड में। नहीं, मैं कोई होता तो हम बता देते। अच्छा, सिंगल्स में? सिंगल्स में मुमताज मलाई। मुमताज मलाई? फीमेल? फीमेल हम नहीं सुनते। क्या बात है। और इसके अलावा जवाब ही इसने ऐसे दिए कि सवाल ही खत्म हो गए मेरे पास। फेवरेट टिकटॉकर भी कोई नहीं है, सिंगर भी कोई नहीं है। सिंगर मुमताज मलाई है। साई का नाम लोग, इनको पता है साई भी हमारे शो पे आने वाले हैं, मैं बताऊंगी साई को कि अवेस आया था, उसने आपका नाम लिया था। सही। अच्छा, मुमताज मलाई की आवाज भी बहुत माशाल्लाह अच्छी है और पर्सनालिटी, अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी। अभी इज्जत अभी दी है? नहीं, पहले भी उसको इज्जत थी, अभी तो बहुत शोहरत है। ओके हो गया। अच्छा, लॉ कर रहे हो जी, तो एक मतलब फोर्सेस का शौक क्यों नहीं हुआ? नहीं भाई, ऐसे शौक रखते ही नहीं रखते। क्या बात है, सियासत में अभी इन हुए, आगे क्या फ्यूचर प्लान है? आगे देखेंगे, कोई सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे आगे चल के। लड़ेंगे? अभी कौन इलेक्शन में खड़ा हुआ है? अभी तो हमारे सरदार हैं, सरदार बंगल खान मार, वो चेयरमैन की सीट पे वोट की। क्या लगता है, जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे इंशाल्लाह, पीपल्स पार्टी की टिकट पे। बस जियो भुट्टो वाले सब बैठे हैं। और हमारा सरदार सदा मोहन खान के मामू कमाल खान मार, वो भी पीपी के टिकट पे इंशाल्लाह वो भी जीत जाएंगे। नाज़रीन, मैं आप सबको ये भी बताऊं कि कमाल खान मार जो कि सरदार खान के मामू भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी है, मेरा उनसे मुलाकात भी हुई पर्सनली, एक दो मुलाकात हुई। हाँ। बहुत अच्छे बंदे हैं, इंसान है। तो मैंने अवेस, वैसे वो अवेस के साथ होते हैं या अवेस उनके साथ होते हैं? आज अवेस जब अकेला गाड़ी में आया तो मैंने कहा ये क्या है, कोई है ही नहीं अवेस के साथ। नहीं,
नहीं वो कैंडिडेट है। अच्छा। वार्ड नंबर 1 का कैंडिडेट है, इलेक्शन में बिजी है। इलेक्शन में बिजी हाँ। इस दफा अवेस कैसे कराची निकल आया इलेक्शंस को छोड़कर? बस ऐसे काम हो जाते हैं, मजबूरी वाले। मजबूरी हाँ। ये लड़की की मजबूरी तो नहीं, 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 नहीं। कोई फैमिली की मजबूरी थी, मैं समझ सकती हूँ। हाँ। अच्छा, फेवरेट क्रश कौन है? अभी तक कोई सोचा नहीं। शादी का सोचा? शादी कब करोगे? शादी नहीं करेंगे अभी तो। शादी करोगी नहीं? क्यों? उम्र ही नहीं है शादी की। हमारे कैमरे के पीछे लोग भी हंस रहे हैं कि ये जवाब कैसे मिल रहे हैं कि शादी की उम्र ही नहीं है। अभी तो शादी की उम्र ही नहीं है ना। क्यों? मतलब अभी तो उम्र है। अपनी लाइफ एंजॉय करें या उसकी करें जो लेके आए। सही है, कह सकते हैं। फैमिली में टिकटॉक का पता चला, अम्मी अब्बू के क्या तासरात हैं? वो टिकटॉक देखते ही नहीं है। अब्बू जॉब में बिजी होता है, अम्मी घर के काम में बिजी होती है। ये तो नहीं है, अब्बू अक्सर जो एक तो सिंधी फैमिली से हैं हम लोग, तो सिंधी फैमिली का पता ही है टिकटॉक। वो हाँ, अगर हमारे घर में कोई लेडीज टिकटॉक बनाए तो बहुत इशू हो जाता है। बहुत इशू हो जाता है। हाँ। और सोचो मैं किस तरह फेस कर रही हूँ। आप तो आपको सलाम है ना फिर दोनों हाथों से। हाँ, दोनों हाथों से मैं बहुत मुश्किल से फेस कर रही हूँ बाबा साईं के सामने टिकटॉक को। कहते हैं टिकटॉक क्या है, आप मुझे बताओ ये टिकटॉक क्या है? ये टिकटॉक आप बताएं, आपको हम देख के हम चला रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि बंदे फेमस हो रहे हैं, हम देखे हम भी चलाएं, हम भी फेमस हो। मैं भाई अवेस महार के गांव सेम तकरीबन, तो अवेस ने बोला कि एक गांव की हमारी लड़की फेमस हो रही है, तो हम भी टिकटॉक पर आए, हम भी फेमस और हो गए। अवेस अभी बहुत अच्छी वीडियो वायरल जा रही है, केस में जा रही है। 10 जब वीडियो 10K क्रॉस हो तो मैं कहती हूँ वो फेमस है वीडियो, हमारी जा रही है तो हम फेमस है। बस फेमस हो भाई तभी तो यहाँ बैठे हो। तो अवेश मुझे ये बताओ कि टिकटॉक क्या है? चलो मुझसे आज क्वेश्चन नहीं करो, मैं तुमसे कह रही हूँ टिकटॉक क्या है। टिकटॉक एक फन है, तो कभी वो टाइम पास करने के लिए बंदा चलाता है। मूड आजा क्या कहते हैं जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जब वीडियोस देखते हैं क्या कहते हैं? वो बोलते हैं अल्लाह करे और बढ़ जाए, मिलियन भाई आ जाए लाइक, तो हम आपके साथ वीडियो बनाएं। और लड़के तो नहीं बना रहे, लड़कियां नहीं मिल रही। तो आपके साथ बना के हम फेमस हो। अच्छा। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कोई फैन मिला? हाँ, सक्कर में एक दो फैन मुझे मिले हैं, मैं शॉपिंग के लिए गया हूँ। वो उन्होंने ये पूछा है कि हम आपकी टिकटॉक पे वीडियो देखें सादा मोहज खान मार की, क्या लगता है आपका? मैंने बोला वो हमारा सरदार है, कि आप किधर गए? मैं भी उधर गया हूँ वोट की का। ये बात पूछने वाली है कि वो क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है, मुझे मैसेज आते रहते हैं क्या लगता है, हम यहाँ प्राइवेसी खोलो हम वीडियो निकालें सरदार साहब की। मैंने बोला प्राइवेसी लगी हुई है। अच्छा ये मुझे बताओ डाउनलोड्स ऑफ क्यों किए नहीं है अवेस? वीडियो बंदे निकाल के जाते हैं फिर आईडियो पे अपने रखते हैं। तो रखने दो ना यार, क्यों ऐसे अच्छा नहीं लगता? अच्छा खुद रख रहे हो तो सही है। अभी ये मैं तुम्हें कैमरे के बाद इसका जवाब दूंगी, ऑफ कैमरा तो खुद कह रहे हो वो सही है। हम ही देखे ना बस, आवाम देखे, आवाम देखे। हाँ बस। कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल गई थी, कब गई थी, अकाउंट कब जो है फॉर यू पे आया? ये सादा मोहज खान की शादी थी, बिलावल साहब वहाँ आए थे बारात में, तो वो वीडियो मैंने उसके साथ अपलोड की थी, वो वीडियो 1 मिलियन व्यूज पे गई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो मेरा अकाउंट बढ़ गया, फिर मैंने अपनी वीडियो डाली तो मेरी वीडियो भी चल पड़ी। कैसे नहीं चलेगी? हाँ भाई, अवेश मार आईडी किस नाम से है बताओ? वडेरा मार 999। वडेरा मार, वडेरा हाँ। की वडेरा किस बात का? वडेरा वडेरा हम सिंध में वडेरे हैं ना, सिंध के वडेरे हो। हाँ। तो भाई वडेरा महर टिकटॉक अकाउंट है, वडेरे को जाके फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, और जिसने लाइक किया है वो और लाइक करे। वडेरा महर ये अकाउंट जब बनाया था तो ये नाम किसने दिया था कि इस नाम पे अकाउंट बनाओ? ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई थी, मैंने उनसे कनेक्ट किया तो ये नाम आ गया, तो मैंने यूज़र नेम यही रख दिया, लेकिन फुल नेम मेरा मीर अवेस खान मार उस पर लगा हुआ है। मीर अवेस खान मार। हाँ। अच्छा, स्टडी की पढ़ाई का शौक था? हाँ, पढ़ाई का शौक था था, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्यों नहीं है? अभी बस काम कार बहुत बढ़ गए, पढ़ाई छोड़ दिए, इधर इकरा में भी आए। कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई हैं, 2 बहनें। बाकी भाई क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं इस्लामाबाद में। उनमें से भी कोई टिकटॉक ऐप पर है? नहीं नहीं, कोई नहीं। बाबा का क्या करते हैं? सियासत से हैं? नहीं, मेरा अब्बू गवर्नमेंट जॉब करता है, ऑफिसर है। सियासत का शौक कैसे हुआ?
कि भाई मुझे सियासतदान बनना है, इलेक्शन में खड़े होना है, किसको देखकर? आवाम को देखकर, आवाम परेशान हो रही थी ये मसला मसाइल। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, सियासतदान कौन है जिसको आप फॉलो करते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी, हाँ। बिलावल भुट्टो जरदारी से कभी मुलाकात हुई है? हाँ, खानगढ़ शरीफ में। खानगढ़ शरीफ में, हाँ। मुलाकात जब फर्स्ट टाइम हुई थी, जाहिर सी बात है हम भी उनके फैन कह सकते हैं, तो क्या मतलब क्या उनसे आपने क्वेश्चन क्या किया था, कुछ याद है फर्स्ट जब मुलाकात में आपने उनसे क्या बात की थी? नहीं, बस हम उधर ही गए थे अंदर, सरदार साहब बैठे थे, हमारे सरदार साहब के बंगले पे आए हुए थे, वो उधर आते रहते हैं वहाँ पे, तो हम गए थे उधर, वहाँ से मिले उनसे, मिले बस ऐसे बैठे ही सामने, कुछ नहीं किया, ऐसे मिल के हम बैठे थे। हाँ, फिर जलसे में आए थे, एक दूसरी बार मुलाकात हुई थी, हमारी शादी में आए थे, वहाँ पे मुलाकात हुई। शादी में आए थे, हाँ। अब इसने सिंधी बीच में बोल दी, उर्दू बोलते बोलते वरी शादी में आए थे। यार ये सिंधी, अच्छा कल भी एक हाँ दिया ना, सिंधी जरूरी है, किसने बोला? मुझे नहीं आती, इस इसका क्या मतलब है, किसी को नहीं आती, मेरे तो आधे से ज्यादा गेस्ट सिंधी होते हैं, और सिंध में रहने वाले बाहर बंदे को सिंधी आते हैं। सिंधी आते हैं, हमने देखे हैं आपके पेज पे, बहुत सिंधी हैं, तो आपको सिंधी अभी तक नहीं आई? मेरे सब फ्रेंड सिंधी हैं, हाँ, लेकिन वो बेचारे सिखा के उन्होंने बोला, तारा तू तो सीखेगी नहीं, हमारी सिंधी भी जाएगी, बस छोड़ दो, आप सीख जाए ना। मैं सीखूंगी इंशाल्लाह। अच्छा अवेस, मुझे ये बताओ कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आप उनको फॉलो भी करते हैं, उनके फॉलोअर भी हैं, हर चीज है, पॉलिटिशियन है, सियासत में भी आप आ गए हैं, तो लॉ आपने एक सोचा, लॉ किसके किसके बेनिफिट पे कर रहे हैं, किसने कहा कि भाई आप लॉयर भी बनो? ये मेरे अब्बू का ड्रीम था, बाबा की ड्रीम थी। अब वो खुश होते हैं कि मेरा बेटा लॉ भी कर रहा है। हाँ, वो खुश है अभी, तो उसकी वजह से डिग्री चल रही है अभी। अच्छा अवेस, कोई लाइफ में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात याद है कि जहाँ पे मतलब आपको बचपन की कोई बात हो जो अभी तक याद हो, यार ये मैंने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में ये काम किया था जो मुझे याद है, कोई स्टोरी? ऐसा कोई काम हमें याद ही नहीं है बचपन का, आजकल के वो होटलिंग वगैरह करना, ये वो दिमाग सारा चलता ही नहीं है। बेस्ट फ्रेंड कौन है जी? बेस्ट फ्रेंड हमारा कमाल खान मार। कमाल खान मार को क्या मैसेज दोगे, उनके लिए कोई क्या बात उनको कन्वे करोगे? हम अभी भी उसको दुआ करते हैं कि वो जीत जाएगा इंशाल्लाह, आवाम का अच्छा करेगा, उसने वादा किया है कि एक बार मैं कामयाब हूँ, फिर देखते हैं। वादा किया है, हाँ। तो भाई खान के लिए मेरी भी दुआएं साथ हैं, सबकी साथ हैं कि कमाल खान मार इस बार वोटिंग में खड़े हुए इलेक्शन में, तो वो जीत जाएं। और कौन सी सीट? चेयरमैन की सीट से, और काफी जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे भी करेंगे, और एक बार जब जीत जाएंगे तो वैसे भी मेरे शो पर दावत है, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था वैसे, याद है कि वो मेरे शो पर आएंगे, लेकिन अभी जाहिर सी बात है मसरूफ है इसलिए नहीं आ सके, तो जब वो जीत जाएंगे तो मुझे और खुशी होगी कि मेरे शो पर आए, फिर हम उनसे बहुत आवाम के मसलों पे बात भी करेंगे। अच्छा अगर अवेस कभी आप इलेक्शन में खड़े हुए जीत गए तो अभी वादे करके जाओ आवाम से, क्या उनको फैसिलिटीज दोगे? नहीं, हम देंगे ना आवाम को, आवाम हमारे आश्रय में बैठी है, हम वोट करेंगे, हमको उनको इज्जत देंगे, काम करवा के देंगे, जो जरूरत होगी वो जरूरतें पूरे करेंगे उन्होंने। अच्छा माहर कौन से? माहर एक बड़ी अच्छी मतलब सिंध में नामी जाने वाली कौम है, आप उस कौम से बिलोंग करते हो, तो अपनी कौम के बारे में क्या कहोगे कि एक माहर फैमिली से बिलोंग करना और सरदार खान के साथ उठना बैठना भी है, हर चीज है, तो क्या बताओगे इस बारे में? हम ये कहते हैं कि हमारी कौम फखर वाली कौम है, इज्जत वाली कौम है, हम तो शुक्र करते हैं कि हमारे सरदार भी हैं, वो भी महर हैं। एक कौम के सरदार होते हैं, एक कौम एक के होती है, सरदार दूसरे होते हैं, हमारे सरदार हमारे अपनी ज़ात के सरदार हैं, हमारी इज्जत करते हैं, कौम की इज्जत करते हैं, हम भी जब भी गए हमारे काम होता है वहाँ पे, और जब भी आवाम गई है हम वहाँ पे होते हैं, हमें पता है उधर से काम ही काम होता है, उसके तो हम तारीफ करें जितनी कम है। अच्छा अवेस अगर जहर सी बात है खान साहब के साथ आपके भी कॉन्टेक्ट हैं, तो मैं लाइव शो में ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सरदार खान को मतलब आप भी मेरी तरफ से बोलेंगे एक बार उनका मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ, वैसे तो काफ़ी किए होंगे लोगों ने, और नेचर वाइज इतना मुझे पता चला है कि बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, तो वो पंजाब में एक शो होता है, पता नहीं नाम उसका क्या है, उस शो पे वो सरदार साहब गए थे। अच्छा हाँ, उस एक शो में गए थे, तो अभी फनी शो देना चाह रही हूँ, सरदार खान को कब आएंगे? वो हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको, चलेंगे दावत देने।
चलेंगे तो मुझे चलना पड़ेगा भाई। आरएनएन न्यूज की टीम की तरफ से आपको हम ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आप जाएं, खान को दावत दें मेरे शो के लिए और खान आए मेरे शो पर, या जहां भी हमें करना पड़ा शो तो वो अटेंड करें। वादा नहीं करते इंशाल्लाह करते हैं। उनको टाइम नहीं होता ना इसलिए, तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे। अभी तो वो उधर गाँव में, इधर कराची आएंगे जब, तो इंशाल्लाह बोलेंगे। बस अवेस की जबान पे हम दिन गिनेंगे कि किस दिन जो है खान को लेकर आएंगे। आपकी मुलाकात होगी सादा मोहश खान के साथ, इतना तो मुझे है, खुद पे भी है कि मेरी मुलाकात कहीं ना कहीं होगी। हाँ। क्योंकि पता नहीं, मैं ये शेयर करूं बात जिससे मैंने मिलने का सोचा है कि मुझे इससे मिलना है, तो उससे मेरी मुलाकात कैसे हुई मुझे भी नहीं पता। और अगले बंदे मुझे बड़ी फिर रिस्पेक्ट भी देते हैं। रिसेंट मेरी एक विश की ड्रीम थी कि मैं सना मारवी से मिलूं और उनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई, और मैं बड़ी खुश हुई कि यार मैंने तो अभी ड्रीम मेरे जहन में आई और बहुत जल्दी कम टाइम में मुलाकात हुई। लगी हुई अवेस के पीछे कि मुझे सरदार खान का इंटरव्यू करना है, अब देखो ये कब पूरा करता है। इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बस ठीक है, हम दावत देंगे, चलेंगे सरदार को दावत देंगे और इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट करेंगे। हाँ। तो गाइस आज थे हमारे शो के मेहमान वडेरा माहर, आईडी है मीर अवेस खान माहर इनका नेम है। तो जाएं फॉलो करें, लाइक करें, सपोर्ट करो। और अवेस जो है खान की वीडियोस डालता रहते हैं, तो इसीलिए डाउनलोड्स ऑफ किए हुए हैं कि कोई वहां से चुरा नहीं ले खान की वीडियोस को। वो लोग चुरा जाते हैं, अपनी वीडियो रखते हैं फिर लाइव वीडियो मेरी होती है। ऐसे होता है कि आपकी वीडियो आपके अकाउंट से किसी ने उठाई हो, अपने अकाउंट पे रखी और वो वायरल गई हो? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो बस टेंशन किस चीज की, रखो खान साहब की वीडियोस और फॉलोअर्स आएंगे जब मिलियंस में हो जाए, तब जाके खान की तस्वीर लगा के अपने साथ फिर केक काटना। नहीं, एक दोस्त ने मुझे बोला कि खान की वीडियो वायरल जा रही है, अभी तुम सरदार साहब का फोटो लगाओ, उसका नाम लिखो, अपना नाम वगैरह हटा दो। मेरा बोला मैंने अकाउंट चलाया है, सरदार साहब को देख रहे हैं लोग, लाइक कर रहे हैं, उसके पहले भी लाइक फॉलोअर बहुत है, वो भी देख रहा है, तो यही चलेगी, यही आईडी, यही चलाओ। क्यों, मतलब आपकी अपनी वीडियोस भी वायरल है? हां, मेरी वीडियो भी अभी तक खान के साथ की वीडियोस काफी है। अगर मैं कहूं कि खान की बस आप कहीं से उठा के डाल रहे हो, आप जाते हो मिलते हो खान के साथ, आपका सारी वीडियो रियल मेरी होती है, हर चीज खान के साथ, मतलब अच्छा है मेरी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है वीडियोस जब मैं देखती हूं। और खान का तो अपना स्टाइल, अपना कैलिबर है। और है सरदार, मौला ने इनको पर्सनैलिटी भी बहुत जबरदस्त दी है जब वो चलते हैं, और सरदार साहब क्या ही बात है, बस फिर उनके लिए तारीफ जितनी करो कम है। तो गाइस आज हमारे साथ मौजूद थे मीर अवेस खान माहर, बहुत ही नौजवान यंगस्टर्स में काफी काम कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी यंगस्टर्स में कम कैलिबर होता है आगे बढ़ने का आजकल के, लेकिन आप बहुत अच्छा लॉ भी कर रहे हैं, सियासत में भी एंट्री दी, सोशल मीडिया को भी टाइम दे रहे हैं। सोशल मीडिया मुझे जिला घोटकी की वो है सीट है, सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया जिला घोटकी की सीट है। आप पीवायओ की? अच्छा, पीपल्स पार्टी की टिकट, पीपल्स पार्टी की, बस ये भुट्टो का नारा है मेरी तरफ से। तो भाई इंशाल्लाह जीत जाओगे, टेंशन ही नहीं है। तो हमारी भी दुआएं आपको, और जितने भी इस टाइम देख रहे हैं सब भाई, जिलाए स्पेशली आज घोटकी वालों को मैं मैसेज दूंगी, अपने गांव को, घोटकी वाला जब बैठा हुआ है और घोटकी वाली जब बैठी हुई है, तो घोटकी को मैसेज जाना चाहिए कि घोटकी वाले, मेरा तो बहुत सारा प्यार अपने गाँव के लिए, अपने सिंध के लिए, क्योंकि घोटकी में, घोटकी उबाड़ो कमुशाई, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। आज मैं सबको बता रही हूँ, कम लोगों को पता है, डिस्क्लोज नहीं करती, कमुशाई मेरा गांव है और मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। घोटकी वाले आ जाए मैं तो घोटकी के लिए आप भी मैसेज दें, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार घोटकी वालों के लिए, जिसने हमें सपोर्ट किया, प्यार दिया। जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो लोगों का इतना प्यार मिलता है, मेरा वापस आने को दिल नहीं करता। अभी आप आई थी ना वोट की, अभी आप अच्छा फूल आप भूल, ही बताओ कितना प्यार मिला था मुझे। पड़े फूल बूल मोटरवे पे पड़े थे ये वो, एक एक सिटी में, एक एक किलोमीटर पे आपके फैन थे, एक एक ऐसा ये लोगों का प्यार है। फूल वो गाना है ना कि गुलाबी गुल, तो लोगों ने वो वाकई में लेके खड़े हार पहनाए। मैंने कहा यार ये तो मरने पे पहनाए जाते, तो लोग जिंदा को क्यों पहना रहे? तो उन्होंने कहा हम आपके फैन हैं, हम प्यार है उन्होंने वोट किया लोगों का, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे अपनी फीलिंग्स को, इससे ये जो है छोटा सा तोहफा है। इवन जब भी घोटकी वाले कराची आते हैं, घोटकी के पेड़े भी लेकर आते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ नहीं आए, अभी तो मैं काम से आया था इसलिए आपको पेड़े, आपको टी शर्ट करवा के नहीं, जब मैं गाँव गई थी तो मुझे अवेश ने दिए थे, याद है।
तो भाई अपना रखे बहुत सारा ख्याल। मीर अवेश खान हमारे साथ मौजूद थे। अवेश, मैसेज क्या देना चाहोगे जो देख रहे हैं व्यूअर्स, मैसेज दो अपना साइंस को। बस हमारा यही मैसेज है कि हमें आगे बढ़ाएं, हमारी हेल्प करें और हम आवाम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, करते रहेंगे और दुआएं करें बहुत सारी। थैंक यू तारा की, बहुत बड़ी थैंक यू। बहुत बड़ी थैंक यू। हाँ, तो हम कुछ सिंधी में ॻाल्हाईंदा हा, हा, सिंधी में मैसेज। सिंधी में असांजो सिंधी कल्चर आहे, असांजो हमारा जीजल सिंध धरती आहे, प्यार आहे असांजो हुन सां, असां सिंधी आहियूं। हाणे इनशाला तारा खे सिंधी सिखी वञे त पोइ ॾाढो सुठो थी वेंदो, प्रोग्राम सिंधी में हलंदो पोइ। ओके, फिर हम इसको सिंधी, पूरा शो सिंधी में रखेंगे, क्योंकि मेरे गेस्ट सब सिंधी आते हैं। तो आपका ये शो फिर गांव में बहुत चलेगा। वो बैठते हैं ना, देखते हैं सिंधी फिल्में वगैरह, देखते हैं। आप एक काम कीजिएगा ना, आप घुटकी में डिश लगाना, वहाँ पे बड़ा पैना पे फ्लैक्स लगा, वो चलते हैं ना ड्रामे वगैरह, सिंधी चलते हैं ना, वो रात को रोटी वोटी खा के ड्रामे देखते हैं ना, तो वो आपका शो चलेगा। बस ओके हो गया, अब मैं सिंधी सीखूंगी कि गांव में मेरा शो देखें। हां, फिर लाइक फॉलोअर आएंगे बहुत। ओके हो गया। तो भाई आज अवेश खान हमारे साथ मौजूद थे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला शो पर। थैंक यू। और ये हमारे सिंध का जो है स्टाइल है, बिल्कुल मैं मान सकती हूँ। तो अवेश आया, अवेश का शुक्रिया अदा करते हैं और आरएनएन न्यूज की पूरी टीम आपको थैंक्स करती है। गाइज अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।